5 प्लसेस इनटू 7 हमारा जो एक्सप्रेशन है, पिछले वीडियोस में हमने इसका वैल्यू को इवैल्यूएट किया था, हमने जो एट्रीब्यूट लिया था वैल लिया था, ठीक है, आपको याद होगा। अब हम इसी एक्सप्रेशन को हम इसका पोसेस में कन्वर्ट करेंगे, और पोसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो सेमेंटिक रूल्स मैंने लिखा है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो सेमेंटिक रूल्स हमारे अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज करती रहेगी, ओके। इसी ग्रामर का सेमेंटिक रूल मैंने अब ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अब इस ग्रामर को ले करके हमको सेमेंटिक रूल्स को ले करके हमको पोसेस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो 5 + 7 मेरा एक्सप्रेशन वही है, मेरा स्ट्रिंग वही है, इसको मैंने एक पास्ट ही मैंने यहाँ जनरेट कर दिया है, ओके। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेमेंटिक रूल्स हमारा यहाँ ये ग्रामर, ये सेमेंटिक रूल्स है। f give 5, इसका सेमेंटिक रूल क्या है, f डॉट पॉस इक्वल टू 0 या f डॉट पॉस इक्वल टू 1, तो f डॉट पॉस इक्वल टू 5 यहाँ हो जाएगा, f डॉट पॉस इक्वल टू 5, ठीक है। f ड्राइव 6 यहाँ क्या हो जाएगा, f डॉट पॉस इक्वल टू 6, f ड्राइव 7 क्या हो जाएगा सेमेंटिक रूल्स, f डॉट पॉस इक्वल टू 7, ओके। अब देखिए अब हम एक लेवल ऊपर जाते हैं, t derives f का सेमेंटिक रूल क्या है, t डॉट पॉस इक्वल टू f डॉट पॉस, जो f डॉट पॉस की जो वैल्यू है वही t डॉट पॉस की वैल्यू होगी, तो t डॉट पॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डॉट पॉस क्या है 5 है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे देते हैं 5। उसी तरह यहाँ t derives f का वही t डॉट पॉस इक्वल टू f डॉट पॉस, तो डायरेक्टली हम यहाँ भी लिख देते हैं t डॉट पॉस इक्वल टू f डॉट पॉस, f डॉट पॉस के यहाँ क्या है 6, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक लेवल और ऊपर जाते हैं, ओके, थैंक यू।